मिडिल ईस्ट में एक बार फिर टेंशन्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। संभावना है कि लेबनान और इजराइल के बीच एक बड़ी वॉर हो सकती है। भारत सहित दुनिया के कई देशों ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी करनी शुरू कर दी है। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध कैसे हो सकता है, चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार में बताते हैं। देखिए, जब से इजराइल ने हमास पर अटैक किया है, तब से लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हालांकि इजराइल भी हिजबुल्ला को करारा जवाब देने में पीछे नहीं है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिससे इन दोनों देशों के बीच लड़ाई बढ़ने की संभावना है। दरअसल इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स इलाके पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मैं अवैध शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार भी इस इलाके को इजराइल का नहीं मानती है। यहाँ पर गोलन हाइट्स के मजदल साम इलाके में हाल ही में एक बड़ा अटैक हुआ है जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्ला ने ये अटैक किया, जबकि हिजबुल्ला ने कहा है कि उसने कोई भी अटैक नहीं किया, इजराइल का ही एक मिसाइल इनके लोगों पर गिरा है। गोलन हाइट्स में हुए इस हमले के बाद अब इजराइल की सरकार भी हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने राजधानी तेल अविव में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट के सदस्यों ने प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री को हिजबुल्ला के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के तरीके और समय पर निर्णय लेने के लिए अपनी राय दी। उधर मोसाद के निदेशक डेविड बॉर्निया भी अचानक रोम से इजराइल लौट चुके हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में हिजबुल्ला को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल इस जानलेवा हमले को नज़रअंदाज नहीं करेगा, हिजबुल्ला को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने अब तक नहीं चुकाई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की इस धमकी के बाद कई एयरलाइन कंपनियों ने लेबनान की राजधानी बेरूत के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। भारत सहित अमेरिका, कुवैत, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, नॉर्थ मैसेडोनिया ने युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए एडवाइजरी तक जारी कर दी है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि हाल ही में हुए घटनाक्रमों के मद्देनज़र लेबनान में सभी भारतीय नागरिकों और यहां की यात्रा करने की योजना बनाने वाले लोगों को सावधानी बरतने और बेरूत में भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। लोग इस ईमेल आईडी और आपातकालीन नंबर 9617686012 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लेबनान और इजराइल की टेंशंस किस स्तर तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे ही मिडिल ईस्ट और इजराइल से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।